नमस्कार। वो एक बहुत पुराना खूबसूरत सा गीत है ना, प्यार बांटते चलो मुस्कुराते चलो। तो आज की जो हमारी कड़ी है एक मुलाकात की, और जिन आरजे से हम मुलाकात कर रहे हैं वो बेहिसाब बेशुमार बेपनाह प्यार बांटते हैं। आइए मिलते हैं आरजे अनिरुद्ध से। हाय अनिरुद्ध। एज जिस तरह से मेरा परिचय यूजली मैं करता हूँ अपने शो में, हेलो हाय हाय हाय, मैं हूँ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा अनिरुद्ध लड़के। अनिरुद्ध, बातें बहुत सी हैं जो हम आपसे जानना चाहते हैं। आपका शो जो है वो इतने सालों से इतना बखूबी अच्छा कर रहा है। आज मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक आरजे की ज़िंदगी जो है, क्योंकि जो हमारे लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं वो शायद जानना चाहते हों कि आरजे आखिर, मतलब उसकी भूमिका क्या रहती है असल में। लोग सोचते हैं कि आरजे आता है, कुछ बोलता है, उसके पास स्क्रिप्ट होती है और वो चले जाते हैं। लेकिन तुम्हारे हिसाब से एक आरजे जो है वो कितनी मेहनत करता है, कैसे अपना शो तैयार करता है? भाई सबसे पहले तो ये गलतफहमी है, मतलब कि लोगों को तो ये पता ही नहीं कि आरजे एक करियर भी है, यू नो। अगर आप पहले, जब मैं बोलता था मैं आरजे हूँ तो बोलते थे अच्छा भाई नाइस, और क्या करते हैं आप यहाँ? पहले तो ये होता था कि आरजे मतलब एक वैसे एक हॉबी होगा, यू नो। आज तक एक्चुअली रेडियो एक इज अ मिस्ट्री, आज भी एक बड़ा राज है। जैसे आज अनेकों टीवी के एक्टिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं और डायरेक्शन के हैं और फलाना मीडिया के बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन रेडियो की दुनिया में अगर आप देखें तो आज भी लोग मेरे पास आते हैं कि मुझे रेडियो जॉकी बनना है, कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, पता ही नहीं है कि कैसे करना है। सो दिस इज स्टिल रिमेन्ड अ मिस्ट्री। सो आई वॉन्ट टू टेल, सबसे पहले तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई एक तो क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती एज सच। हाँ, इफ यू हैव जनरली एक आपका एक बैचलर डिग्री हो, ग्रेजुएशन एक होता है बेसिक। एंड लोगों को ये भी लगता है कि हाँ आपकी एक आवाज ठीक है तो मैं, जैसे पहले होता था कि शक्ल ठीक है तो एक्टर बन जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रेडियो का मतलब है, हाँ डबिंग में आवाज का रिश्ता होता है कि आपकी अगर आवाज अच्छी है तो आप डबिंग कर सकते हैं, लेकिन रेडियो की दुनिया का सबसे बड़ा उसूल ये है कि आपका लोगों के साथ कनेक्शन, आपका बात करता, आप किस तरह से बात करते हैं, आप लोगों को किस तरह से इमोशनली बांध पाते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट इनफ कि आपकी एक अच्छी आवाज है, लेकिन आपका, क्योंकि आप यहाँ पे राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, सब कुछ आपको खुद ही करना है। तो यहाँ पे आपको अपनी स्क्रिप्ट भी लिखनी है, लोगों को आपको खुद ही हंसाना भी है, रुलाना भी है, उन्हें भड़काना भी है, तो सब कुछ आप ही को करना है। सो एंड मोस्टली मैंने देखा इंडियंस में, सॉरी टू से, बट एक चीज है कि हम लोग एक्सप्रेस करने में या कम्युनिकेट करने में वी आर नॉट वेरी गुड टॉकर्स, सो देयर वेरी फ्यू, दैट इज अनदर रीजंस आल्सो कि बहुत कम आरजेस बन भी पाते हैं। यहाँ भी एक दौर चला था बहुत से, जब रेडियो स्टेशन शुरू हुए थे, जहाँ पर उन्होंने टीवी एक्टर्स और फिल्म एक्टर्स को भी आरजे बनाने की कोशिश की थी। पर वो आसान नहीं है, वो नहीं था उनमें से 90%। हाँ ऑफकोर्स कुछ लोग जो है जो बहुत अच्छा बोलते, जैसे अन्नू कपूर जी हुए, आज अन्नू मलिक है जो हमारे बीएफएम में शो करते हैं, तो वो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। जब आप आरजे बनते हैं या बनना चाहते हैं, सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपके अंदर कौन सी खास बात है, आप किस तरह से लोगों को रिझाना चाहते हैं, आपका अंदाज क्या होगा, आपका अंदाज क्या है, आपका स्टाइल क्या होगा और आपका क्या जॉनर क्या होगा। तो बेसिकली द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कि आप किस तरह का शो करने वाले हो। तो जब आप ऑडिशन के लिए भी जाओगे तो सबसे पहली बात यह है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इन फॉर ब्लाइंड ऑडिशन, लोग सोचते हैं कि चलो मैं अपनी आवाज, यू नो, ऑडिशन करा लूंगा, तो मैं हमेशा लोगों को ये नसीहत देता हूँ कि आपकी अपनी खुद की स्क्रिप्ट होनी चाहिए, आप किस तरह का शो खुद करना चाहोगे, तो वो कॉन्सेप्ट लेकर जाओ आप स्टेशन के पास, तो स्टेशन वाले आपको ज्यादा सीरियसली लेंगे कि बोलिए कि मैं इस तरह का शो करना चाहता हूँ, या तो मैं रेट्रो क्लासिक्स पे करना चाहता हूँ, या आज की फिल्मी गॉसिप के ऊपर करना चाहता हूँ, या मैं सोशल इश्यूज को लेकर रेडियो शो करना चाहता हूँ। उनका अपना बेसिकली एक थॉट होना चाहिए, फिर आपने एक बार थॉट बना लिया, तो जैसे आज मेरा एक सपोज एक घंटे का शो है, ठीक है, तो उसमें मुझे गाने तय करने हैं। नाउ पर्सनली मी, बिकॉज ऑफ माय सीनियरिटी एंड बिकॉज ऑफ माय कनेक्शन विद माय ऑडियंस एंड मेरा जो बिग एफएम का मेरे ऊपर एक विश्वास भी है, तो मोस्टली मैं गाने खुद तय करता हूँ। पर अदरवाइज अगर आप नए होते हैं तो गाने जनरली आपको दिए जाते हैं, वो कंप्यूटर से निकाले जाते हैं, म्यूजिक मैनेजर रहता है, म्यूजिक मैनेजर जो गाने डाल देता है, म्यूजिक गाने। हाँ, फिर भी आपका वो नॉलेज होना जरूरी है उन गानों को लेकर, तो भले वो गाने आपके लिए डले हुए हैं या आप खुद डाले या वो डले हुए हैं आपके लिए, लेकिन आपका, क्योंकि आप जो कोई बात बोलोगे उसके बाद गाना आएगा, तो उस गाने के बारे में भी आपको कुछ बोलना चाहिए। सो यू हैव टू फाइंड आउट सम यूनिक ट्रिविया अबाउट दैट फिल्म या अबाउट दैट सॉन्ग या अबाउट दैट एक्टर, यू नो, कि वो उस गाने के पीछे क्या कहानी थी, या कोई झगड़ा हो गया था सिंगर्स के बीच में, या यू नो वो गाना पहले किसी और के हिस्से आने वाला था, या वो पिक्चर पहले कोई और करने वाला था। सो यू टू गिव सम इंटरेस्टिंग ट्रिविया ताकि आप उस गाने को, यू नो, एक भूमिका दे सको। जब आप किसी सेलिब्रिटी को अप्रोच करना चाहते हैं
तो यू डू इट ऑन योर ओन या आपके ऑफिस में कोई ऐसा रहता है? See, again, shows के ऊपर होता है, जैसे मेरा एक शो है बिग टॉकीज जिसमें नए एक्टर्स आते, मतलब जो उस हफ्ते की जो फिल्में रिलीज होती हैं तो उसके एक्टर्स आते हैं, जैसे शाहरुख खान आए थे रईस के लिए, अच्छा। या वरुण धवन आए थे दिलवाले के लिए, या आलिया भट्ट आई थी डियर जिंदगी के लिए, तो वो हमारी एक पीआर होती है। लेकिन आई वुड स्ट्रांगली एडवोकेट कि अगर जैसे आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ उसकी ये भी वजह है कि मेरे खुद के अपने कनेक्शन जो बन पाए हैं, जो मैंने खुद बनाए हैं। नहीं, तभी तुम्हारा शो इतना सक्सेस है क्योंकि तुम इतना, एक तो अनुभव भी हमें सिखा देता है और दूसरा वही जो मैंने कहा कि प्रोएक्टिव, आप खुद आगे कदम बढ़ा के कि मुझे ये करना है, मुझे इससे इंटरव्यू लेना है, इससे लेना है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि इट्स नॉट जस्ट इनफ टू हैव दैट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, नॉलेज तो बहुत बड़ी जरूरी चीज होती है, विच इज आई वुड टेल एवरी आरजे कि आपको जितनी फिल्में आप हो सको, अब जैसे मैंने तो 1950 से लेकर अब तक जितनी फिल्में हो सकी मैंने देखी, सो व्हेन यू गो टू इंटरव्यू देम आल्सो जस्ट फॉर यू टू नो कि हाँ जितेंद्र की ये सुपर हिट पिक्चर है हिम्मत वाला और ये और वो तो सब जानते हैं, लेकिन उनकी जो सब नहीं जानते, हाँ, तो वो आप पहले से ही उनके बारे में जान लो ना, तो जब आप सवाल भी पूछते हो उनसे तो इट बिकम्स, आप पहले उसी मुद्दे को लेकर ही आप सवाल पूछ सकते हो कि आपके बारे में सुना था कि ऐसा था। अब जैसे मुझे कुछ कुछ पता था, जब मैं जितेंद्र का इंटरव्यू करने गया कि फर्स्ट पिक्चर के टाइम पे उन्होंने कुछ सफेद जूते खरीदे थे और सफेद पैंट, और उसी से उनका वो ट्रेंड शुरू हुआ और जंपिंग जैक जीतू का उनका इमेज शुरू हुआ, तो मैं जो पहले से पता था, सो आई सेड कि हाँ इज इट ट्रू कि फर्स्ट, तो उनको एक ये मिल गया, मिल जाता है। हाँ, और उन्हें ये भी लगता है, एक रिस्पेक्ट आ जाती है कि हाँ, बंदा होमवर्क करके आया है। बजाय इसके कि आप पूछो कि आपका वो जंपिंग जैक जीतू कैसे आया इमेज, सो पहले से वो लीड इन हो जाता है ना, तो दे ऑल्सो रिस्पेक्ट यू, कह रहे यार ये बंदा तो जानता है कि मैं ऐसा करता था, या कि उसे पता है कि मैं संध्या का मैं डबल बना था नवरंग पिक्चर में, यू नो, सो ये सब चीजें जानी बहुत जरूरी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजकुमारी, आई वुड सजेस्ट इज दैट यू हैव टू हैव एन इमोशनल कनेक्ट विद योर लिसनर्स। तो जब मैं बोलता हूँ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा एक 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 करीबी रिश्ता बन जाता है, कनेक्ट आ जाता है, कनेक्ट आ जाता है, सो यू कैन डू व्हाटएवर, मैं हूँ मुंबई की रानी या व्हाटएवर, यू एक आप अपना एक बना लो ताकि उस एक लाइन में पीपल शुड नो कि आप कौन हो, कौन या हो, क्या हो, व्हाट यू स्टैंड फॉर। राइट राइट, आज मुझे लगता है कि आप लोगों की काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं लोग कि आरजेस की ज़िंदगी क्या होती है, वो कैसे काम करते हैं, और ख़ास तौर पर अनिरुद्ध जैसे आरजेस कैसे काम करते हैं कि उनका शो और वो खुद इतने मशहूर और मारूफ हो जाते हैं। थैंक यू सो मच अनिरुद्ध फॉर टॉकिंग टू अस एंड शोइंग अस सच, मतलब इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें शायद देखने को ना मिलती, हमें इनके अस्तित्व का भान ही नहीं था, लेकिन ये सब दिखाने के लिए और बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।